हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 1918 से लेकर 1924 तक। इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट क्या था, मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म्स क्या था, गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट खिलाफत में नॉन कॉपरेशन में क्या क्या स्ट्रेटजी थी, गांधी जी का रिस्पांस क्या था, ब्रिटिशर क्या क्या रिस्पांस था, और चौरी चौरा मूवमेंट के बारे में जानेंगे, और गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस क्यों लिया इतना हाइक पे जाने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बताया, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वॉट टू कवर इन द सेंस कि नेशनलिज्म की फीलिंग उस टाइम गांधी जी जनरेट करना चाह रहे थे। जैसे मैंने बताया, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये सब को यूनाइट करके हम एक फीलिंग देंगे नेशनलिज्म की। ये नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो पूरे मास को, पूरे कंट्री को यूनाइट करेगी। नेशनलिज्म बेसिकली फीलिंग का वर्ड है जो स्टेट को यूनाइट करती है, जो कि हिटलर भी किया था लेकिन नेगेटिव सेंस में किया था। यहाँ गांधी जी मॉरली हराएंगे, मॉरली एंड इथिकली इन द सेंस कि जैसे ब्रिटिशर हमको छोटा समझते थे, हमको इंटेलेक्चुअल नहीं समझते थे, हमको स्किल देना चाहते थे, अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे थे। गांधी जी ने इसीलिए इस मेथड को लेके आया, उनको मॉरली टैकल करेंगे, ट्रुथ को लेके, नॉन वायलेंस को लेके, ये मॉरली और इथिकली उनको चैलेंज करेंगे, उनके रूल ऑफ लॉ को। जैसे कि ब्रिटिशर हमें चैलेंज करके हमें दिखा चुके थे कि हम इन्फीरियर हैं, तो गांधी जी इसी को लेके उनको हराएंगे। सोशली वो कहते हैं हम बहुत डिवीज़न हमारे सोसाइटी में, हिंदू बेस्ड पे, रिलीजन बेस्ड पे, कास्ट बेस्ड पे, हर फील्ड में हमारे डिवीज़न है। तो गांधी जी इसको भी यूनाइट करके इकट्ठा करेंगे, नेशनलिज्म फीलिंग लेके आएंगे ताकि मास इकट्ठा हो जाए। इकोनॉमिकली उस समय आपको जैसे कि पता होगा World War I चल रहा था 1914 से लेके 1918 तक, और फेमाइन आ गया था उस पीरियड में, और बहुत सारे प्रॉब्लम थी फेस करना पड़ रहा था, हाई इन्फ्लेशन हो गया, लोग बस खाने को नहीं था। तो फीलिंग वो कहाँ जनरेट किया जाए, वो एग्रेशन कहाँ यूज़ किया जाए। गांधी जी इन सब को मुद्दे को लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते थे, दैट इज़ नेशनलिज्म। ये सब स्ट्रेटजी गांधीयन फेस में मैंने बता चुका हूँ, वो साउथ अफ्रीका में ये सब सीखे थे, तो सबको समझ में आया कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। पॉलिटिकली उनको अवेयर कराया इन द सेंस कि उनको राइट्स के बारे में बताया, स्वराज के बारे में बताया, अपनी कंट्री को अगर उनको भगाना है तो क्या क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल द ब्रिटिश इसकी भी स्ट्रेटजी यूज़ किए डिवीज़न करने के लिए, रिजर्वेशन कभी देके, कभी मुस्लिम कमेटी को रिजर्वेशन देके, कभी दलित को रिजर्वेशन देने की बात करके। तो गांधी जी ने उसी का तोड़ उन्हीं की स्ट्रेटजी से निकाला। हमेशा जो ब्रिटिशर थे रूल ऑफ लॉ फॉलो करते थे, गांधी जी भी हमेशा रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे और नेचुरल जस्टिस के थ्रू उनको हराएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैकग्राउंड क्या था 1918 से पहले। बैकग्राउंड हम समझते हैं कि उस समय होम रूल मूवमेंट चल रहा था, हम पिछले वीडियो के से बात कर चुके हैं, तिलक और एनी बेसेंट 1916 से लेकर 1918 तक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उसी पीरियड में ब्रिटिश कहता है कि आप मूवमेंट रहने दीजिए, आपको मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, उसमें जो आपकी डिमांड्स हम फुलफिल कर देंगे। ऑल दो कुछ वॉलंटियर्स, कुछ ग्रुप्स एग्री नहीं होते हैं, तो इसके लिए रॉलेट एक्ट लेके आते हैं उस समय के गवर्नर जनरल। उसमें ये रहता है कि आप कहीं भी मीटिंग नहीं कर सकते, चार लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, इन द सेंस कि वो कर्फ्यू एक तरह से था, कर्फ्यू का ही नाम था। इसी के रिस्पांस में थ्रू आउट इंडिया प्रोटेस्ट होता है नेशन वाइड, हर कलकत्ता में, बंगाल में, छोटे छोटे एरिया बिहार में, पंजाब में प्रोटेस्ट होने लगता है इसी के बिहाव पे। मैंने बताया कि ब्रिटिश हमेशा रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ लेके आया रॉलेट एक्ट की, इस रॉलेट एक्ट में कि ये ऐसा होगा कि विदाउट ट्रायल आपको सजा सुनाई जा सकती है। तो इसी के बिहाफ पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों लीडर थे जो नेशन वाइज रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर ने उनको उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। तो उन्हीं के सपोर्ट में जलियांवाला बाग, ये आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को भीड़ इकट्ठा हुई उनके सपोर्ट में, उनको रिलीज करने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको छुड़ाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। ऑल दो वहाँ के ब्रिटिशर जो रूल ऑफ लॉ फॉलो करते थे वो जस्टिफाई इसको करना चाहते थे, और जो जस्टिफाई नहीं होगा तो आते हैं अपने फोर्स के साथ, और जो एक ही एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक करके फायरिंग कर देते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड आता है 300 प्लस की डेथ होती है, ऑल दो अनऑफिशियल कहते हैं लगभग 1500 डेथ हुई थी यहाँ पे। वो पार्क था एक, हर तरफ से ब्लॉक था, ये एक तरह से वॉल थी, और एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट था, तो यही ब्लॉक करके फायरिंग कर देते हैं पूरी भीड़ पे। तो इसी के रिजल्ट में उसका कंसिक्वेंस होता है, प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे लीडर अपने अवार्ड छोड़ देते हैं, गांधी जी अपना टाइटल कैसर ए हिंद जो बोर वॉर्स में ब्रिटिशर ने दिया था वापस कर दिया, जो टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर उनको मिला था नाइटहुड का टाइटल, वो भी वापस किया इसके प्रोटेस्ट में। तो उस समय कांग्रेस
इमर्ज हो रही थी, बहुत पीक उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, तो उस समय गांधी जी का इतना स्टेटस बढ़ चुका था कि कांग्रेस गांधी जी को अपना हैंड ओवर करती है कि आप हमारे लीडर हैं, आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए। तो इसी के लिए आप ये मेमोरियल भी देख सकते हैं आज के दिनों में क्या हो गया, जलियांवाला बाग कितना मॉडिफाइड हो गया, कितना यूनिक बना दिया गया है। ऑल दो इसके लिए भी प्रोटेस्ट होता है, वो हम बाद में समझेंगे। इसी के लिए गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं और खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों को यूनाइट करते हैं। गांधी जी को लीड मिल गई। ऑल दो एक मीटिंग होती है जून 1920 में अलाहाबाद में, इसी में गांधी जी को लीड दिया जाता है कि गांधी जी INC को लीड करें, जितने ही वॉलंटियर्स हैं उनको लेके जो डिसीजन आप बोलेंगे वही होगा। इस पीरियड से बाद गांधी जी को कांग्रेस माना जाता था, कांग्रेस को ही गांधी जी माना जाने लगा, इतना स्टेटस गांधी जी का बढ़ गया था। फिर एक मीटिंग होती है 1920 में, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि अगर खिलाफत रॉन्ग्स और रॉलेट एक्ट जो भी है ये वापस तब तक नहीं होगा तो हमारी प्रोटेस्ट और हर जगह हड़ताल चलती रहेगी। हमेशा गांधी जी का एक ही मूवमेंट था कि कोई प्रोग्राम होगा, कोई भी इशू होगा तो उसको हम प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रुथ से लड़ेंगे, बाइकआउट करेंगे कॉलेज स्कूल्स, ये हर पॉइंट में आप डाल सकते हैं, बाइकआउट स्कूल कॉलेज कोर्ट स्टडी काउंसिल, जितने भी वर्कर हैं इन सबको बाइकआउट करेंगे। गांधी जी की हमेशा शुरू से स्ट्रेटजी रही है, वो भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करते थे और रूल ऑफ लॉ को अनजस्टिफाइड तब करते थे जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होता था। रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, हॉनर्स, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, खादी, वो जो भी खादी हम जनरेट कर रहे हैं अपना कपड़ा पहने फॉरेन जो भी है उसको हम बाइकआउट करें। सेकेंड फेज में इंक्लूड होता है गवर्नमेंट सर्विस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब प्रोटेस्ट का फॉर्म था कि हम उस पीरियड में क्या क्या करेंगे नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में। इस समय दिसंबर का फेज होता है, हमने बताया कि INC का हर ईयर लास्ट मंथ में दिसंबर में उनका सेशन होता है जो कि नागपुर में होता है। इस सेशन में कांग्रेस को और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए चेंजेस लाया गया। गांधी जी को लीड मिल गई थी अगस्त सितंबर के बाद 1920 में कि INC को लीड करिए, तो चेंजेस लाया, बेसिक स्ट्रक्चर चेंजेस लाया, हर गांव में कमिटीज बनाए, एक नुक्कड़ इन द सेंस कि हर वार्ड और विलेज में कमिटीज बनाने लगे और एंट्री फीस 4 आनास कर दिए जो भी काम कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो उस पीरियड में 1920 आते आते हर गांव में एक कांग्रेस की कमेटी रहती थी, तो जो भी कांग्रेस का डिसीजन होता था वो थ्रू आउट इंडिया मैसेज स्प्रेड कराता था। इसीलिए INC की जितनी भी मीटिंग होती थी पूरे थ्रू आउट इंडिया हर जगह अलग अलग एरिया पर होती थी। इसी के बेस पे इनका प्रोटेस्ट बढ़ता गया और मास इनके साथ जुड़ती गई। अब हम समझेंगे खिलाफत मूवमेंट कैसे इससे कनेक्टेड है। खिलाफत मूवमेंट ऑल द टर्की है, ये टर्की से रिलेटेड है, ओटोमन एम्पायर से रिलेटेड है। उस समय में हम बता चुके हैं 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। इसी पीरियड में अलाइड फोर्सेज वर्सेस एक्सिस फोर्स और सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर कौन कौन थे? ओटोमन एम्पायर थे, जर्मनी थे, हंगरी थे, ये सब ग्रुप लड़ रहे थे। और अलाइड पावर में कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, ये सब मिलकर लड़ाई कर रहे थे। तो इसी पीरियड में सेवरेज ट्रीटी होती है और ओटोमन एम्पायर को ये सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो खलीफा था, खलीफा उनका हेड था, शिया जितने मुस्लिम हैं उनका हेड खलीफा था जो टर्की में रिलीजियसली बैठता था। जितने भी शिया कम्युनिटी हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको मानते थे, इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव माने थे, इसको हटाते हैं। तो गांधी जी इंटेलेक्चुअली इतने दिमाग से उस इशू को पूरे इंडिया में लेके आते हैं, नॉन कोऑपरेशन से जोड़ देते हैं ताकि मुस्लिम यूनाइट हो सके, हमारा जो भी डिवीज़न है सोसाइटी में एक आ सके। ऑल दो 1916 में जब लखनऊ सेशन हुआ था उन समय हिंदू और मुस्लिम में ट्रीटी हो चुकी थी कि हम एक साथ लड़ेंगे आज़ादी के लिए। इसमें क्या, गांधी जी अकम्पनीड बाई अली ब्रदर्स जो मुस्लिम लीडर थे, खिलाफत को लीड कर रहे थे, गांधी जी साथ मिलकर पूरे थ्रू आउट इंडिया ये मैसेज स्प्रेड कराते हैं रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें खिलाफत भी अब इंक्लूड हो गया। इस पीरियड में हमेशा 80 to 90,000 जो स्कूल कॉलेज थे उनको बच्चे थे जो बाइकआउट करते हैं, लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। इस पीरियड में स्कूल्स कॉलेज खोले गए, काशी विद्यापीठ खोला गया, जामिया मिलिया खोला गया जो आज रिनाउंड एक यूनिवर्सिटी बन चुका है, गुजरात में खोला गया, बिहार में विद्यापीठ खोला गया, फॉरेन क्लॉथ बंद किया गया, जो वाइन की शॉप थी जो फॉरेन क्लोथ से उनको बाइकआउट किया गया, जलाया गया। लोकल कांग्रेस बॉडीज वर आस्क्ड टू लीड CDM, जो लोकल कांग्रेस कमेटी थी मैं हम बता चुके हैं 1920 जो नागपुर सेशन हुआ था, इसी पीरियड में हर जगह पूरे थ्रू आउट विलेज इसको लीड करने की बोलते हैं गांधी जी कि हमारे मूवमेंट को स्पीड अप करिए, ले जाइए पूरे थ्रू आउट इंडिया। इसी के बीच में नॉन कोऑपरेशन बीच में पूरे थ्रू आउट इंडिया मैसेज स्प्रेड होने लगा और वायलेंट स्प्रेड होने लगा। जैसे कि एग्जांपल है असम टी प्लांटेशन, ये इशू ऑल दो बहुत दिनों से चल रहा था
1901 से चल रहा था, लेकिन इस पीरियड आते आते यहाँ पे रॉयट होने लगे। जो वहाँ के टी प्लांटर्स थे वो एग्री नहीं हो रहे थे, उनसे ज़्यादा हार्स काम हो रहा था और उनको पेमेंट उतना नहीं बेनिफिट हो रहा था। इसके सपोर्ट में असम बंगाल के जो स्टाफ थे उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये भी स्ट्राइक करते हैं। उसी फेज में 1921 में अवध किसान मूवमेंट होता है, उसमें भी जो जमींदार से हाई टैक्सेशन मांगते हैं इसमें भी प्रोटेस्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि अब फीलिंग एक यूनाइट हो रही थी। ऑल दो अभी भी पूरी मास यूनाइट नहीं हुई थी, लेकिन इस मूवमेंट में 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये सब एक का मूवमेंट हुआ। इसमें भी जमींदार के अगेंस्ट 50% टैक्स लेके आता है तो प्रोटेस्ट किया जाता है। मोपला रिवॉल्ट जो ब्रिटिशर और जमींदार के अगेंस्ट केरल में होता है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर के अगेंस्ट मुस्लिम प्रोटेस्ट करते हैं, रॉइट करते हैं, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। इसी फेज में पंजाब में जो सिख एजिटेशन होता है, जो वहाँ की सिख होता है महंस, उनके अगेंस्ट करप्शन का चार्ज लगता है, उनको भी हटाने की कोशिश की जाती है। अब इसी पीरियड में ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या होता है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था तो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या होगा। जो गवर्नर जनरल थे रीडिंग 1921 में, उस समय गवर्नर जनरल थे रीडिंग, तो गांधी जी से बात करते हैं कि मूवमेंट अब रहने दीजिए, हम डील करेंगे आपको बेटरमेंट के लिए, कोई नई पॉलिसीज लेके आएंगे। गांधी जी नहीं सुनते हैं तो ब्रिटिश लाठी चार्ज कर देता है, पॉलिटिकल गैदरिंग को बैन करता है, वॉलंटियर्स डिक्लेयर्ड इलीगल। वॉलंटियर्स कौन, जो INC के जो वर्कर्स थे जो हर गांव गली में बनाए गए थे INC के द्वारा। प्रेस बंद कर दी जाती है, प्रेस बंद इसलिए कर दी जाती है कि जो इनका इशू होगा ब्रिटेन में कहीं ना चला जाए, जो इनके अपोजिशन वो ना जान पाए, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो स्थिति है इंडिया में वो सब ना जान पाए पूरी कंट्री, ताकि ब्रिटिश में प्रेशर ना बन पाए, इसलिए ये सब डिसीजन लेता है। अब गांधी जी क्या डिसीजन लेते हैं, गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या आएगा। उस समय इनकी डिमांड्स थी कि रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी आपने अरेस्ट किए हैं इस फेज में 1920 से लेके 22 तक, जितने भी फेज हैं आप इन पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करिए, जो प्रेस कंट्रोल है आपने बैन किया है उसको रिमूव करिए। इसी बीच में चौरी चौरा मूवमेंट हो जाता है 4 फरवरी 1922 में। ये चौरी चौरा मूवमेंट क्या है, चौरी चौरा मूवमेंट ये है कि ब्रिटिशर जो पुलिस लाठी चार्ज करते हैं एक आदमी पे, जो ग्रुप उनका मास था वो देख रहा था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑल दो वो पुलिस वाले सिर्फ दो थे और मास बहुत ज़्यादा थी, वो एग्रेशन में आके उनको दौड़ाते हैं, वो पुलिस स्टेशन में बंद हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन को वो जला देते हैं। ये इंसिडेंट 4 फरवरी को गोरखपुर में हुआ था। इसी को लेके गांधी जी अपना जो इनिशिएटिव था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट उसको वापस ले लेते हैं बारदोली रिजोल्यूशन से, कि हम ये मूवमेंट वापस ले रहे हैं। ऑल दो इस मूवमेंट से पूरी जो लीडर्स थे, नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अदर लीडर्स बहुत इनसे नाराज़ होते हैं कि इतना जो पीक पे हमारा चल गया था इशू, पूरे इनकी जो डिमांड थी, जितना भी इनको एग्रेशन मिला था, नॉलेज मिला था, अवेयर हुए थे, इनको हमको यूज़ करना चाहिए था ब्रिटिशर के अगेंस्ट, ऑल दो यूज़ नहीं हुआ। तो गांधी जी उसको समझाते हैं कि हमारा मोटो ये नहीं है, हमारा वायलेंस मोटो कभी रहा ही नहीं है, हम ट्रूथ और नॉन वायलेंस को जानते हैं। उनको समझाते हैं कि इस क्यों हमने वापस लिया। ऑल दो उस समय डिसीजन नहीं होता, उस समय भी कांग्रेस टूटने के कगार पर आती है, लेकिन टूटती नहीं है गांधी जी के डिसीजन की वजह से, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। गांधी जी डिसीजन क्यों लेते हैं विड्रॉ करने का, क्योंकि उन लोग ना जो वर्कर थे, जो वॉलंटियर्स थे, वो समझ नहीं पाए गांधी जी का नॉन वायलेंस मेथड, रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटिशर अगर उसको अगर ब्रेक होगा तो उसको कैसे वो सप्रेस करेंगे, ये गांधी जी समझते थे, इसलिए वो समझ नहीं पाए थे भीड़। और साइंग ऑफ फैटिग ये क्या है कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं सकता, फैटिग उसमें एक पीरियड में आ ही जाता है, इसलिए वापस लिए। वॉयलेंट मूवमेंट कैन बी ईजिली सप्रेस्ड, मैंने आपको बताया कि कोई भी मूवमेंट होगा रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा और सप्रेस हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इन आउटकम क्या निकला, पॉजिटिव आउटकम ये निकला खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए, पूरी अवेयर पूरी थ्रू आउट इंडिया हुई। हम बताया आप केरला का इशू, मोपला इशू बताया, लखनऊ का इशू बताया, आसाम का बताया, पंजाब में बताया, ये इशू थ्रू आउट इंडिया हुई, अवेयरनेस आ गई, एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जनरेट होने लगी। नेगेटिव आउटकम क्या हुआ, ये अभी भी वॉलंटियर्स मास रियल मोटर्स गांधी जी का नहीं समझ पाए कैसे ब्रिटिशर को हराना है, और हिंदू मुस्लिम अपने इंटरेस्ट के लिए यूनाइट हुए, ये एक ड्रॉबैक है। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।